बीजेपी के विरुद्ध पीसीसी में पहली बार गर्जे घनश्याम तिवारी, भाजपा का घोषणा पत्र हवाई, उन्होंने बताया इस घोषणा पत्र को और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र करोड़ों देशवासियों की आवाज है, ये एक व्यक्ति के मन का नहीं देश का घोषणा पत्र है, जन आकांक्षाओं का मूर्त स्वरूप है कांग्रेस का घोषणा पत्र। राहुल गांधी ने बनाया जवाबदेही घोषणा पत्र, हर साल होगी इसकी सोशल ऑडिट। कांग्रेस को है हर भारतीय परिवार की चिंता, मोदी और भाजपा को सिर्फ कुछ परिवारों की चिंता। मोदी शासन में देश की कुल संपदा का सर्वाधिक हिस्सा चंद परिवारों की जेब में, कॉरपोरेट घरानों और राज करने वालों के बीच ही होता रहा समझौता, देश पर हुआ कॉरपोरेट जगत का कब्जा। मोदी ने मुट्ठी भर कॉरपोरेट जगत को दिया 60,000 करोड़ का अनुदान, राहुल की न्याय योजना से देश के 20 करोड़ लोगों को मिलेंगे 72,000 करोड़, अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी की न्याय योजना, इसका सही जवाब कांग्रेस का आम आदमी और गरीब को आर्थिक न्याय देने का प्रयास है, न्याय योजना से देश की अर्थव्यवस्था आएगी पटरी पर। तिवारी ने दिया जापान का उदाहरण, नोटबंदी और जीएसटी ने तोड़ी हर नागरिक की कमर, न्याय योजना से बढ़ेगा व्यापार और मिलेगी अर्थव्यवस्था को गति। केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर बनेगा राष्ट्रीय किसान आयोग, देश के किसानों को मिलेगा अलग बजट, कर्ज माफी नहीं कर्ज मुक्ति की ओर बढ़ेंगे किसान, किसानों पर दर्ज आपराधिक मुकदमे होंगे वहीं बड़ी राहत भी मिलेगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र रोजगार क्रांति का प्रतीक, रोजगार करने वालों को मिलेगी स्पेक्टर राज से मुक्ति, नौजवान गणेश जी का पूजन कर सकेंगे रोजगार की शुरुआत, नहीं लेना होगा कोई लाइसेंस, लाल फिताशाही होगी दूर, इसके लिए बनाया जाएगा नया मंत्रालय, जीएसटी की कमाई का हिस्सा मिलेगा स्थानीय निकायों को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मोदी शासन ने कुचला और कांग्रेस अब बचाएगी लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं का फिर से काम कायम करेगी वजूद कांग्रेस, स्वतंत्रता समावेश सबका विकास सौहार्द परिणाम गरिमा और न्याय की प्रतीक है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।